मगध फुटबॉल एकेडमी जहानाबाद द्वारा मकर संक्रांति पर मैत्री भोजन का आयोजन किया गया। खेल प्रशिक्षण परिसर विटी सुल खेल मैदान के समक्ष कार्यालय कक्ष के छत पर आयोजित भोज में गर्ल्स फुटबॉल खिलाड़ियों, फुटबॉल के प्रतिनिधि सोनका कुमार एवं गोल्डन एकेडमी के पदाधिकारी मोहम्मद तारिक, प्रोफेसर अजय कुमार, रामेश्वर सिंह सहित चेयरपर्सन राजीव कुमार रंजन भी शामिल हुए। साथ ही कहा कि सुबह में खेल प्रशिक्षण के बाद मकर संक्रांति की बेला में जिस तरह दही चूड़ा दूध तिलकुट सभी एक साथ कर शुद्धता से भोजन ग्रहण किया जा रहा है, उसी प्रकार खेल में निजी विद्यालयों, छात्रावासों एवं अन्य संस्थानों को एक सूत्रीकृत करने का आरंभ है, जहां आए दिन जिले में प्रतियोगिता आयोजित कर समाज के बीच में खेल को परोसा जा सके, जिससे खिलाड़ियों के खेल का स्तर ऊंचा हो जाए। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए दिए गए प्रोत्साहनों से जिले के खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण मिलना, खेल मंत्रालय का गठन कर खेल के लिए अलग बजट पेश होने से खेल में निश्चित रूप से निखार आने की बात कही गई। साथ ही कहा कि राज्य में खेल का भविष्य सुधार के रास्ते पर दिख रहा है, जिसके लिए खिलाड़ियों से इसकी तैयारी में जुट जाने की अपील की गई। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़। मगध फुटबॉल एकेडमी जहानाबाद द्वारा व्यायाम के साथ खेल का प्रशिक्षण बॉयज एवं गर्ल्स को दिया गया। तदुपरांत जो जिला फुटबॉल महिला फुटबॉल विंग्स के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आए और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किए। इसके बाद आज मकर संक्रांति के अवसर पर मैत्री भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामूहिक रूप से इस बात का संदेश देने का काम किए कि जिस तरह चूड़ा दही तिलकुट एक साथ मिलाकर भोजन ग्रहण किया जाता है, उसी तरह निजी विद्यालयों, छात्रावासों एवं अन्य संस्थानों को खेल से जोड़कर एक खेल का वातावरण जिले में निर्माण करना है, जो समाज के बीच में प्रतियोगिता के रूप में परोसा जाए।